बाबा जी ने तीन संगठन बनाए, जय गुरुदेव यानी मथुरा भारत संगठन, दूरदर्शी संगठन, घूम ज्योतक खेतियर काश्तकार संगठन। ये तीन संगठनों का निर्माण बाबा जी ने किया और चेलों ने विघटन कर दिया। क्या ये लोग आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जी का शिष्य कहला सकेंगे? इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। बाबा जी ने 10-11-12 जून 1983 में ये टाट बोरा पहनाया था दिल्ली बोट क्लब पर और ये कहा, ये तपस्वी भेष है, तुम तपस्या करो। इनको तपस्या करने का अधिकार था कि भाषणबाजी करने का या प्रेमियों के पैसे को लूटपाट करने का, उनकी सेवाएं वसूलने का ये अधिकार इनको कर दिया गया। ये गुरु के खिलाफ, गुरु की मर्यादा के खिलाफ टाट बोरा पहनकर तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने कहा था मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन बच्चा टाट पहनकर तपस्या तो कर लो। आपको लंगोटी लगवाई गई थी, कितने वर्ष हो गए आपने सच्ची लंगोटी लगाई, जब से लंगोटी लगाई कितने बच्चे आपने पैदा किए, फिर कैसा माना जाएगा कि आपने लंगोटी लगाई? ये नकली है, इनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ, इनसे होशियार रहना। आपको ये सब एक एक पाठ और एक एक मतलब यानी सत बाबा जी ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके सब बता दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। तो मैं आज आपको याद कराने आया हूं कि बाबा जी ने क्या क्या कहा। मैं अपनी कोई बात नहीं कहता क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं, सब लोग अपना प्रचार करते। एक प्रचार कर रहा मथुरा में ड्राइवर, कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए और मतलब यानी हमको मतलब उत्तराधिकारी बना, वो अपना ये प्रचार कर रहा। उज्जैन वाला कह रहा हमको नाम पावर दे गए, लेकिन गुरु का प्रचार कहाँ हो? गुरु महाराज ने क्या कहा था? मेरे बच्चों का बच्चा तुम प्रचार करोगे, जो जितने जीव जगेंगे सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा हो जाएंगे, इसमें तुम्हारा परमार्थ बनेगा। इन लोगों से पूछे, तुमने एक आदमी खड़ा किया है कि करोड़ों को यानी गुरु के दरबार से अलग किया, सब अलग किया, भटका दिया, भरमा दिया। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु महाराज का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। जोर से बोलो, गुरु महाराज का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने या चेलों का दर्शन करने? गुरु महाराज का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने जाते थे? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति सब गुरु को भूल गए, गुरु के बच्चों को भूल गए, गुरु की दया को भूल गए और अपने मान सम्मान में जुट गए। अरे तुमने फकीरी भेद पहना है, टाट बोरा तपस्या के लिए पहना है, तुम्हें भजन करना चाहिए, गुरु के बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने जीवन का आधार बनाकर गुरु के बच्चों के अनुसार चलना चाहिए। तुम्हारा ये काम था टाटधारियों, और तुम कहाँ भटक गए? अभी तुम्हारे लिए वक्त है, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। जय गुरुदेव। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा कि मैंने बाबा जी के संदेश को नहीं सुना और नहीं माना, हमें नहीं याद रहा। मैं उन्हीं बच्चों को जो आप भूल गए हो उनको एक बार फिर से याद कराने आया हूं, मेरा और कोई काम नहीं। गुरु के बच्चों को याद कराना
10 वर्ष से लगातार ये 11वां वर्ष शुरू हो गया। यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों को मैंने गुरु के अनमोल वचनों को याद कराया जो भूल गए, और आपसे पूछने आया हूं। एक बात और पूछूंगा, सच बोलना आप लोग, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो, गुरु महाराज से। सच्चाई को मत छिपाओ, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप लोगों का हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो तुम जा कहां रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहा है चेलों के पास, ये तुम्हारी बुद्धि में हो क्या? इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती, जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति हो, काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। तो मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया हूं और कुछ आपको बताने आया जो आप भूल गए। मैं अपने लिए कुछ कहने नहीं आया हूं, न अपने लिए कुछ आपसे लेने मांगने आया हूं, ये मेरा काम नहीं है। अगर ये काम होता तो 10 वर्षों से, जब मैंने 28 मई 2012 को सर्वप्रथम निकला गुरु की सच्चाई कहने के लिए, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी। मैं 3 वर्ष लगातार ऐसे घूमता रहा। उसी समय मैं आपके यहां आया था और जिन्होंने हमको सर्वप्रथम बुलाया, अपने घर में रखा और जगह जगह कार्यक्रम करवाए, आज वही भटक गया है, वही स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया और प्रेमियों से सेवाएं उसूलने लगा। इससे पूछो ये सेवा उसूलने का तुम्हें कहां अधिकार, किसने अधिकार दिया, और तुम सेवा कहां लगा रहे हो, किस काम के लगा रहे हो? तुमने सत्संगी या संगत के लिए कोई झोपड़ी बनवाई या गुरु के नाम पर कोई काम तुमने किया है? ये आपको पूछना चाहिए। सेवा आंख बंद करके नहीं देनी, आंख खोल कि तुम्हारे सेवा कहां लग रही, तुमने याद तक नहीं पूछा। मथुरा भी जाते हो, कम से कम ये तो पूछो कि जो 60 साल प्रेमियों ने बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई हुआ कहां चली गई? ये दोनों ने बंदर बांट कर, उन सेवाओं का दोनों ने बंदर बांट कर दिया, और अब भी तुम सेवा दे रहे हो और अब भी नहीं पूछ रहे। मैं सेवा देने का यदि कोई बहिष्कार नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि सेवा देकर आप पूछो कि हमारी सेवाएं आप कहां लगा रहे, किस काम में लगा रहे हो, ये आपको पूछना चाहिए, नहीं तो आपको दोष लगेगा। अगर तुम्हारी सेवा सही जगह न लगी तो तुमको भी उस दोष उस पाप में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए सेवा दो हमेशा आंख खोल और देख कर लो कि तुम्हारी सेवाओं का कहां प्रयोग हो रहा है। ये सब सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे, जितने भी सब जगह जगह दुकानें खोल ली जय गुरुदेव नाम की और सेवा बटोर रहे, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, केवल सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, इसके सिवा कोई काम नहीं। अरे इनसे पूछो भाई, ले लो ये दोगे कब? देना तो तुम सीख गए और ले रहे हो, लेकिन हमें क्या दोगे, इसके बदले हमें क्या दोगे?